आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी के द्वारा लगातार विभिन्न तरह का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को पूर्णिया में फोर्ड कंपनी चौक पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी के सौजन्य से बाइक सवार सैकड़ों लोगों के बीच हेलमेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार, केहार थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह एवं अन्य कई पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस अवसर पर सड़क पर चल रहे बाइक सवार लोगों को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी के लोगों एवं प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और लोगों को हेलमेट लगाकर चलने की सलाह दी गई। इस दौरान सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने कई लोगों को अपने हाथों से हेलमेट दिया और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सदर एसडीपीओ ने कहा कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी के द्वारा किया जा रहा कार्य काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि यह काफी अच्छा पहल है कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर हेलमेट वितरण किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के साथ ही साथ आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, ऐसे में भाई जो है अपने बहन के यहाँ राखी बांधने के लिए निकलते हैं और अगर भाई असुरक्षित हो और एक्सीडेंट करे और बहन के पास राखी नहीं बंधवा सके तो इसके लिए आईसीआईसी लोम्बार्ड जो इंश्योरेंस का काम करता है, जनरल इंश्योरेंस की काम करती है, इसके तरफ से इसके सहयोग से निःशुल्क हेलमेट उन लोगों को यह मैसेज देने के लिए कि आप हेलमेट आपके लिए बहुत आवश्यक है वितरण किया गया है। आज फाइन नहीं कर रहे हैं, आज इन लोगों को हम इसलिए चूँकि रक्षाबंधन है, कोई भाई जा रहा है बहन के यहाँ और फाइन कर देंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, तो फ्री वितरण आईसीआईसी लोम्बार्ड की ओर से किया जा रहा है, इस पर सिम्बॉल भी है। लेकिन जो नहीं भी फाइन किया, जो नहीं भी, उनसे मैं अनुरोध जरूर करूँगा कि वो हेलमेट पहने और अपनी सुरक्षा रखें। हेलमेट फाइन से बचने के लिए नहीं, हेलमेट पहनना है आपको अपनी सुरक्षा के लिए। और इसी के अभियान के तहत आज यहाँ टाउन थाना में इंस्पेक्टर साहब हैं अनिल कुमार सिंह, मैं हूँ, अन्य सब इंस्पेक्टर लोग हैं और आईसीआईसी बैंक के लोम्बार्ड के जो मैनेजर लोग हैं वे सारे लोग हैं और इन लोग के द्वारा यह किया गया अच्छा सार्थक पहल है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम इन लोगों को भी देते हैं।